बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है वो हमारे पास जो चैप्टर है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा उससे रिलेटेड है, और इनसे रिलेटेड मैं आपको जितने भी टॉपिक्स हैं जिसमें हम टेबुलेशन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन ग्राफ एंड ग्राफ एंड कर्व जो है, तमाम चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एमसीक्यूज के, अगर इनसे रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज आ जाते हैं तो वो आपने कौन कौन से किस तरीके से आ सकते हैं, और उनको आपने ट्रू आंसर जब मैं आपको बताऊंगी तो मैं विद रीजन ईच एंड एवरी टॉपिक को डिस्कस करूंगी, वहां आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि इस आंसर को हम क्यों सिलेक्ट करें। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको अगेन बता रही हूँ कि जो स्टूडेंट टेस्ट से रिलेटेड, जिन्हें पीपीएससी टेस्ट है या कोई भी टेस्ट जिसमें स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड आपको डेटा पूछा जाएगा, तो उसके लिए ये बेस्ट एमसीक्यूज हैं। इसमें मैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनके एमसीक्यूज बना के आपको ये समझा रही हूँ, और हर वीडियो में 10 to 15 एमसीक्यूज आपको गिवन है, आप चेक कर सकते हैं, आपको विद रीजन मैं आपको बता रही हूँ, तो ये आपने देखने हैं। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास जो चैप्टर है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब फर्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है। हम कहते हैं इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखिए, इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, क्लासिफिकेशन क्या होता है, जब आपके पास डेटा टू मच लार्ज होता है तो आप उसको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर देते हो। वहां एक क्लास अगर आपने 5 to 10 ले ली है, 15 to 20 ले ली है, उसके दरमियान जितना भी डेटा आता है वो आपने रिप्रेजेंट करना होता है। तो क्लासिफिकेशन के जरिए आपका जो लार्ज डेटा होता है वो रिप्रेजेंट हो जाता है इन द शॉर्ट फॉर्म और इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन जो है, क्या वो 2 है, क्या 3 है, क्या 4 है, क्या 5 है। अब ये आंसर आपको उस वक्त पता चला होगा जब आपको क्लास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पता होंगे। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपके पास टोटल 4 होती है। कौन कौन सी होती है स्टूडेंट? एक क्वालिटेटिव होती है, एक क्वांटिटेटिव होती है, एक जियोग्राफिकल होती है, एक आपके पास क्रोनोलॉजिकल होती है। अब क्वालिटेटिव क्या होता है? जिसमें क्वालिटी के हिसाब से हम अपने डेटा के क्लासेस बना रहे होते हैं। क्वांटिटेटिव क्या होता है? जो मेजरेबल होता है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव में फर्क ये होता है कि क्वालिटेटिव जो होती है वो मेजरेबल नहीं होती, वो आप किसी अपनी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो आपने जिस तरह आप कह सकते हो कि मैन एंड वुमेन जो है, या आप कह सकते हो इसकी क्लासेस बना सकते हो, इसी तरह डिफरेंट रिलीजियन की अगर बना रहे हो तो वो भी आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव में आता है। क्वांटिटेटिव क्या होता है? जो मेजरेबल होते हैं, जैसे कि हाइट, वेट एक्स्ट्रा आपके पास आ जाते हैं। देन आपके पास आ जाते हैं जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल क्या है कि स्टूडेंट, अगर आप एक जगह डिफरेंट सिटीज की बना रहे हो, डिफरेंट जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो वो मेरे पे जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन हो जाती है। और क्रोनोलॉजिकल क्या होता है? जैसे कि आप टाइम सीरीज कर रहे होते हो, इन विच वी हैव द टाइम इन्वॉल्व, तो वहां आपके पास क्या आ जाता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ जाता है, या टेम्पोरल भी आप उसे कहते हो, कि डेटा अरेंज हो रहा होता है टाइम अक्रंस के हिसाब से। तो ये हमारे पास 4 क्लासिफिकेशन बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, अगर आपको ये पता है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो देयर आर द 4 है, वो कौन कौन सी है? क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, जियोग्राफिकल एंड क्रोनोलॉजिकल, जिसमें टाइम इन्वॉल्व होता है, तो देयर आर द 4 बेसिस हैं। तो हमारे पास ट्रू आंसर 4 होगा, नॉट 2, 3 एंड 5। सेकेंड, आप देख सकते हो कि क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा। अब क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं सुबह, वो प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा है अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग? 1 कैरेक्टरिस्टिक, नो, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, या 2 और मोर कैरेक्टरिस्टिक। देखिए, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, अगर मैं यहां बना रही हूं ना, रिलीजियन अगर ले रही हूं, तो मैं यहां अगर या फॉर एग्जाम्पल मैं मैन एंड वुमेन ले रही हूं, ये मैन एंड वुमेन, तो मेरे पास जितने भी मैन है वो इस क्लासिफिकेशन में आएंगे, जो मैं क्लासिफिकेशन, और वुमेन जो है वो इस क्लास में आएंगी। तो ये जो डिफरेंट क्लास मैंने बना दी है मैन एंड वुमेन में, उसमें मैन में मैन आएंगे एंड वुमेन में वुमेन आएंगे। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन जो है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्लासेस के अंदर आ रहे होते हैं, तो देयर आर द ट्रू आंसर ऑफ द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। देन थर्ड है डेटा विच हैज बीन अरेंज, वो आपके पास ग्रुप डेटा होता है, अनग्रुप डेटा होता है, रॉ डेटा होता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए डेटा, रॉ डेटा क्या होता है। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड द डेटा, ठीक है, क्या आपने कोई भी फैक्ट्स उठा लिए, फिगर्स उठा लिए, दैट इज कॉल्ड द डेटा। अनग्रुप डेटा क्या है कि इन विच फ्रीक्वेंसी इज नॉट इन्वॉल्व, आपने लिया, आपने उसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, वो रीजनल फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड द अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा क्या है कि जब आप उसे अरेंज कर रहे हो, आप उसकी फ्रीक्वेंसीज उसको दे रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड द ग्रुप डेटा। तो आपके पास ट्रू आंसर इज द ग्रुप डेटा, जब आप कहोगे डेटा विच हैज बीन अरेंज।
इनटू रेंज आएगा अकॉर्डिंग टू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो दैट इज कॉल्ड द ग्रुप डेटा। फोर हमारे पास आ जाता है एज अ जनरल रूल व्हेन अरेंजिंग डेटा टेंड्स टू यूज। तो हमारे पास एक जनरल रूल है कि जब आप क्लासिफिकेशन बना रहे होते हो तो हाउ मेनी क्लासेस वी कैन मेक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आपसे वैसे भी इंटरव्यू लेते हुए भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आप क्या सजेस्ट करते हो, ये जो स्टैटिस्टिशियन हैं वो क्या करते हैं कि जब डेटा अरेंज करनी है तो वो कितनी क्लासेस टेंड टू यूज करेंगे एज अ जनरल रूल के मुताबिक। तो आप कह सकते हो लेस देन सिक्स क्लास नो, बल्कि बिटवीन सिक्स एंड फिफ्टीन क्लासेस जो है हमारे पास द बेस्ट ऑप्शन होता है कि हम अपने डेटा को अरेंज करते हुए ना तो सिक्स से कम हो और ना फिफ्टीन से मोर हो, तो इनके दरमियान की जो क्लासेस है वो बेस्ट समझी जाती है। फिफ्थ है कि टू मेथड्स ऑफ डेटा अरेंजिंग जो है हमारे पास है। तो स्टूडेंट ये अरे एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हमारे पास अरेंजमेंट के डेटा है। हिस्टोग्राम तो हमारे पास ग्राफ में आ जाता है या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक कर्व है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप टू मेथड्स बताएं डेटा को अरेंज करने के लिए। तो वो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हम अपने डेटा में जितनी बार एक डिजिट अकर हो रहा होता है उसकी फ्रीक्वेंसीज लिख देते हैं, और अरे क्या होता है कि आप अपने डेटा को अरेंज करके लिख रहे होते हो। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अब नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं, हम कहते हैं कि डेटा एंड एट्रीब्यूट। आपको मैंने बताया हुआ कि एट्रीब्यूट्स में आपके पास क्या आते हैं कि क्वालिटेटिव डेटा होता है जिसमें क्वालिटी आप एक्सप्लेन कर रहे होते हो, तो जो डेटा है वो क्लासिफाइड एंड एट्रीब्यूट आ जाते हैं। क्या वो कॉन्टिन्यूस डेटा है? नो, बट कॉन्टिन्यूस डेटा क्या होते हैं जिसमें इन ईच एंड एवरी पॉइंट इज इन्वॉल्व होता है। कौन क्वांटिटेटिव डेटा है? तो क्वांटिटेटिव डेटा इन विच वी हैव इन्वॉल्व द मेजरमेंट इन्वॉल्व होती है। एंड क्वालिटेटिव डेटा इट्स मीन यू आर डिस्क्राइबिंग अबाउट द क्वालिटी, तो क्वालिटेटिव डेटा इज ऑल्सो लिंक विथ एन एट्रीब्यूट। तो आप कहते हो जो क्लासिफाइड डेटा एंड एट्रीब्यूट जो है वो क्वालिटेटिव डेटा को ले रहा होता है। एंड ये इज अ फ्रीक्वेंसी कर्व है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। और ये जो ग्राफ है जो कर्व है स्टूडेंट, वो ऑलरेडी मैं आपको ड्रॉ करके विद एग्जांपल समझा चुकी हूँ, आपने बीएससी लेवल पे जाके देखनी है, आपको ये ग्राफ मिलेगा जिसमें आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्यूमुलेट की गई है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। टाइटल ऑफ द टेबल शुड बी, ये अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। आपको वैसे भी पता है स्टूडेंट, आप कोई भी टेबल बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए जो टाइटल होता है दे मस्ट बी राइट इन द कैपिटल लेटर्स, ठीक है? तो इसका एक रूल है, अदरवाइज ये रॉन्ग समझा जाता है। लोअर केस लेटर में नहीं लिखा जाता है, 20 लेटर्स नॉट द फिक्स लेटर होते हैं, बट कैपिटल लेटर्स मस्ट बी इन्वॉल्व, कि ईच एंड एवरी लेटर मस्ट बी इन द कैपिटल फॉर्म। तो इसको हम कहते हैं कि जो टाइटल ऑफ द टेबल है शुड बी कैपिटल लेटर्स आना चाहिए। टेन हमारे पास है कि इफ अ कर्व कैन बी डिवाइडेड इन टू टू पार्ट दैट इज मिरर इमेजेस इट इज कॉल्ड अ स्क्यूड कर्व, जे शेप कर्व, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टूडेंट स्क्यूड क्या होता है और सिमेट्रिकल क्या होता है, पहले तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इफ यू आर सेइंग दैट वी हैव द टू पार्ट्स एंड टू पार्ट्स हैव द इक्वल डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमने शेप को ड्रॉ किया है और उसको हमने डिवाइड किया है इनटू टू पार्ट्स एंड दे हैव द इक्वल डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप कहते हो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी एंड प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी बराबर मिड में डिवाइड कर रही है। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये पॉजिटिवली स्क्यूड होता है एंड दैट इज कॉल्ड द नेगेटिवली स्क्यूड, बिकॉज जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी उसका जो झुकाव है वो पॉजिटिव साइड पे ज्यादा है, तो दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिवली स्क्यूड एंड दैट इज कॉल्ड द नेगेटिवली स्क्यूड। एंड स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि व्हेन वी हैव द डिपार्ट फ्रॉम द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ी सी भी दूरी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो कन्वर्ट द कर्व इनटू द स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि ये आपके पास आ गई। तो हमारे पास अगर वो कह रहे हैं कि कर्व डिवाइड कर रहे टू पार्ट्स में, तो दैट इज कॉल्ड द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये स्टूडेंट आपके पास एमसीक्यूज आ जाते हैं रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मजीद मैं आपको और भी एमसीक्यूज करवाऊंगी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये समझ भी आए होंगे। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।